बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो चलिए जी, आज एक बहुत मज़ेदार रेसिपी आ रही है। जिन जिनों ने चाय अभी तक नहीं पी तो रुक जाएं, अभी चाय मत पिए। एक मज़ेदार सी रेसिपी है, उसको बनाते हैं, उसके साथ चाय को एंजॉय करते हैं। चलिए जी, मैं भी बनाने लगी हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बनाए रख सकते हैं। कुछ चाहिए 3 मोटे मोटे साइज़ के आलू, तो ऐसे ही आलू आप लोगों ने भी लेने हैं, समझ आ गई है ना। अब इनको हम लोग करते हैं ग्रेट और फिर आते हैं आपके पास दोबारा। ये देखिए जी, मैंने सारे आलू जो है वो ग्रेट कर लिए हैं अच्छे तरीके से ग्रेटर के साथ। आप लोग मैश भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आप लोगों को इजी लगे। तो चलिए जी, इसके अंदर हम लोग अब डालते हैं मसाला जार सारे, और चाहिए मेरे सारे फैमिलीज के लिए ग्रीन ग्रीन रहें, खुश रहें, और ऐसे ही जो है ना सब्जो शादाब आप लोगों की ज़िंदगी रहे। तो चलो जी, इनको कट करते हैं और फिर मैं आती हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्ची जो है ना वो चॉप कर ली है, तो अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, सारे पूरे का पूरा ट्रे। अब इसमें डलना है सारे जो गरम मसाला जाते हैं वो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। हाँ जी, तो हर खाने का जान मसाला जान नमक भाई जान वो इसमें जाएगा 1/2 चम्मच, रेड चिली जाएगी इसमें 1/2 चम्मच और थोड़ी सी ज़्यादा, और थोड़ी सी हम इसमें जो है ना हल्दी ऐड करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो येलो येलो आए, ठीक है जी। अब इसमें रह गया हमारा थोड़ी सी जो हम लोग इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ज़रा सी इन्हीं सी, ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड कर दी। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, वो भी हम लोगों ने इतना सा डाले, छोटा सा। सारा कुछ हम लोग जो है हाफ हाफ डालेंगे, माइनर सा। लेकिन स्पाइसी चीज़ें बहुत मज़े की होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा रेड चिली ज़्यादा डालेंगे। हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये इतना सा, ठीक है, ये भी इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने में कोई मना ही नहीं है। अगर जो चीज़ इसमें कम लगेगी हम इसमें दोबारा से ऐड कर लेंगे। अब हाथ आप लोगों ने देखने के साफ सुथरे, मेरे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे धोए हुए हैं। तो चलिए जी, इसको हम करते हैं जी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हमारे घर में जी ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं थे। फिर मैंने जो फ्रेश ब्रेड है उसको ग्राइंडर में जो है ना वो ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए हमारे पास कितना मज़े का जो है ना फ्रेश ब्रेड तैयार हो गई है और ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। और साथ ही हम लोगों ने ले लेना है एक अंडा, ठीक है। तो चलिए जी, प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। इसको रखते हैं यहाँ पे, और चूल्हा ऑन नहीं है। हाँ जी, चूल्हा ऑन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में गैस नहीं है तो चूल्हा भी नहीं ऑन हो सकता। चलिए जी, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली कबाब की शेप देनी है इसको। मेरे हाथ पे लगे हुए थे इस वजह से हो रहा है, फिलहाल अभी हम लोगों ने नहीं लगाना, ठीक है। ये देखिए, आज मुझे वो देना कांटा देना, ये देखिए इस तरीके से आपने करके इसको एक कबाब की शक्ल दे देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने फोक की मदद से इसको ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर देना, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आए मुझे छुरी दो जल्दी से, क्योंकि हम लोग बेसिकली बना रहे हैं पोटैटो नगेट्स बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोगों ने पार्टीशन किया वहाँ से हम लोग इसको जो है वो कट कर देंगे। आपकी अपनी ही मर्जी है कि आपने कौन सी शेप देनी है, वो आप शेप दी। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको पूरा, पहले अंडे में डिप किया, उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर दिया, और ये हमारे पास ऐसी जो है ना वो शेप आ गई है। आप लोग की अपनी मर्जी है, मुझे ये शेप कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसको हम लोग जो है ना दूसरी शेप दे देंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको पहले फ्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये बनता है। गैस नहीं थी इसीलिए मेरी मामा ने सिलेंडर का इस्तेमाल किया, और एक इस तरह के बॉल में ये ऑयल को गर्म होने लग गई। इसमें हम लोग थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा और साथ ही हम लोग इसमें अपने जो वो था शेप मेरी कुछ सही थी बन रही, मैंने इनको हाथों के साथ जो है ना हाथ जिंदाबाद हाथों के साथ बहुत अच्छी शेप बन रही है नगेट्स की। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता के ऊपर करें, थोड़ा सा स्कूल खुल चुके हैं तो ये बच्चों के लंच के लिए और शाम को फारिग टाइम जो है ना वो चाय के साथ ये एक स्नैक के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल्स तैयार करके देखनी है, ये दिखाओ और ये सबसे नज़र आ रहा नहीं नज़र आ रहा बैक कैमरे से, देखिए मैंने कुछ तैयार करके देखे हैं। इसको अब हम लोग जो है ना गर्म करके देखते हैं
और चल के बताते हैं कि टेस्ट जो है वो कैसा इनका आता है। ठीक है, इनके लिए ऑयल को पहले रख दिया था, अब हम लोगों ने जो तैयार किए थे ना वो सारा बीच में डाल दिया। इनको फ्राई करते हैं लाइट सी आंच के ऊपर, इसको फ्राई करना हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोगों ने इसको हिलाना नहीं है। ठीक है, तो जब इसकी असल शक्ल निकल के आती है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने इनकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब ये निचले जो ना नीचे मैंने फ्लेम जो है वो दरमियाना रखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ करना है। तेज़ करने के बाद चल अब ये थोड़ा सा मज़ीद पकेंगे और आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और अब इसको चेक करवाने का टाइम भी आप लोगों के सामने, मैं सारा कुछ पक के जो ना ये रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आया है इनका गोल्डन ब्राउन। एक बैच तैयार हो गया, इसको आप अपनी फेवरेट केचप के साथ जो है वो सर्व करें, खाएं पिएं नोचें जो मर्ज़ी करें। तो चलें जी, इसको अब टेस्ट करने का काम आ गया। अब टेस्ट करने के लिए इसको लेके चलते हैं बाहर की तरफ और जाके पूछते हैं ऑडियंस से कि जी हमने कैसी मेहनत की है। और किचन की हालत आप लोग देखें, ये देखिए गन चेक करें। इस बच्ची ने मुझे बहुत तंग किया है, कोई तंग नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर भी सारा गन पड़ गया, मैं सारा कुछ समेटती हूँ और नेक्स्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर। और सिलेंडर को तेज़ करते हैं, भाई गैस नहीं है तो क्या करें। उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए इतनी मज़े मज़े की जो ना वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो उसके लिए लाइक करना तो बनता है। चलें जी बाहर चलते हैं, टेस्टिंग के लिए जा रही है ट्रे तैयार और मैंने उसको भी देखना कि वो जल ना जाए। चले आए बाबा को चल के चेक करवाते हैं कि कैसी बनी है। हाय, चले जी हाय कर दिया उन्होंने भी। अब टेस्टिंग करते हैं और बताते हैं कि जी कैसे बने हैं और ईमानदार राना मशवरा जो हमें चाहिए। प्लेट दे दो बाबा को, ऑनेस्ट रिव्यू देना भी आपने। एक ही डालें दो डालें? इस टाइम जो अभी कोई भी खाना नहीं पसंद करता, इन सबको कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि आप लोग घर में करते क्या हो। चलें जी जल्दी 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 अंदर जल जाएगा मेरे। ये भी नानों को भी चेक करवाते हैं। चल जब तक ये डालते हैं उसके बाद फिर हम आते हैं, हेलो करते हैं। लास्ट की बात आपको बताऊँ, सब ने खा लिया, सब ने इंजॉय भी कर लिया। अब जो जितना जो किचन का मेस है ना ये किसने समेटना है? मुझ बेचारी ने। सब ने कहा बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने हेल्प करनी है। और किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बैठो अब हम जो है ना बर्तन धो देते हैं। खैर यही है हर घर की कहानी। तो चलें जी मेरे साथ आप लोग हैं, मिलके बर्तन धोते हैं और उसके साथ ही बाय बाय करते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।